बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन्स के बारे में। इससे पहले वीडियो में हमने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस को डिफाइन किया था और ये देखा था कि वो कौन कौन से मैकेनिज्म्स फॉलो करते हैं और इन मैकेनिज्म्स को फॉलो करते हुए जो प्रोडक्ट है उसकी स्टीरियो केमिस्ट्री क्या बनती है। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि एल्कीन्स जो हैं वो हाइड्रोजन हैलाइड के साथ किस तरह से रिएक्ट करते हैं। एल्कीन्स जब हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है कि एल्कीन्स का जो डबल बॉन्ड है उसमें से पाई बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाता है। लेट सपोज इफ दिस इज अ पाई बॉन्ड, तो पाई बॉन्ड के ब्रेक हो जाने से क्या हो जाता है कि कार्बन के पास जो है वो डिफिशेंसी आ जाएगी। उस डिफिशेंसी करने को पूरा करने के लिए एक कार्बन जो है वो इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेगा और दूसरा कार्बन जो है वो एक्स के साथ बॉन्ड बना लेगा। तो इस तरह से हाइड्रोजन और एक्स जो है वो एल्कीन्स में ऐड हो जाएंगे और ऐड होने की वजह से जो प्रोडक्ट बनेगा उसको हम कहेंगे हेलो एल्कीन्स। इस प्रोडक्ट को हेलो एल्केन्स भी कहा जाता है या फिर एल्काइल हैलाइड्स भी कहा जाता है और दिस रिएक्शन इज नोन एज हाइड्रो हैलोजिनेशन। ये हाइड्रोजन भी ऐड हुआ है और हैलोजन भी ऐड हुआ है। इस रिएक्शन को लेबोरेटरी में कैरी आउट करने के लिए एक तरीका तो ये है कि एल्कीन में से ड्राई एल्काइल है जो हाइड्रोजन हैलाइड है वो पास किया जाए या फिर थोड़ा सा कोई पोलर रिएजेंट डाल दिया जाए जो या पोलर सॉल्वेंट डाल दिया जाए। पोलर सॉल्वेंट जो है वो एसिटिक एसिड हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है। तो पोलर एजेंट डालने से क्या होगा, जो पार्शियली पोलर एजेंट है ये आपका जो पोलर हाइड्रोजन हैलाइड है वो भी ऐड हो जाएगा और एल्कीन्स भी डिजॉल्व हो जाएगा और इनके दरमियान रिएक्शन हो जाएगा। अब इसमें जो हाइड्रोजन हैलाइड्स हैं अगर हम इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर देखें तो वो कुछ इस तरह से है। हाइड्रोजन आयोडाइड इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन ब्रोमाइड व्हिच इन टर्न इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन क्लोराइड व्हिच इज मोर रिएक्टिव देन HF। सो दिस इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर। हाइड्रोजन आयोडाइड जो है उसका रिएक्शन रेट सबसे ज़्यादा होगा विद एल्कीन्स, जबकि हाइड्रोजन क्लोराइड का रेट जो है वो सबसे कम होगा। हम देख लेते हैं कि एल्कीन्स जब रिएक्ट करते हैं हाइड्रोजन हैलाइड के साथ तो वो किस मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं। हमारे पास ये एक एल्कीन है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इस तरह से। लेट सपोज अब हमने इसमें HX डाल दिया है। हाइड्रोजन हैलाइड का जो मॉलिक्यूल है ये पोलर मॉलिक्यूल होगा। चूंकि इस हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा और इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, जबकि हाइड्रोजन पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी और उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, चूँकि यहाँ पर सारे अल्काइल ग्रुप्स लगे हुए हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है, तो इसलिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो होगा इट विल बी न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर, मीन्स ये इलेक्ट्रॉन रिच होगा। तो कोई भी जो न्यूक्लियोफाइल है वो हमेशा इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्ट करेगा। तो डबल बॉन्ड क्या करेगा कि ये HX के मॉलिक्यूल का जो ये इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट है उस पर ये अटैक कर लेगा इस तरह से, और उसके साथ रिएक्ट करके आपको ये स्पीशीज देगा। अब इस स्पीशीज में क्या हुआ है कि एक कार्बन ने तो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया है डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को यूज करके, लेकिन चूंकि वो इलेक्ट्रॉन अब हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने में यूज हो गए हैं तो जो सेकंड कार्बन है उस पर इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी आ गई है, उसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई है और इस ये जो मॉलिक्यूल है HX का, यहाँ पर क्या होगा कि जब हाइड्रोजन डबल बॉन्ड वाले कार्बन के पास चला जाएगा तो H और X के दरमियान जो है ये बॉन्ड टूट जाएगा, इसकी हेट्रोलाइटिक ब्रेकिंग होगी, दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो हैलोजन ले लेगा
और हैलाइड आयन साथ में बन जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये जो हैलाइड आयन है ये इस कार्बन पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम जो है इसके साथ आके बॉन्ड बनाएगा और जो प्रोडक्ट मिलेगा वो इस तरह से होगा। सो दिस इज एन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और एल्कीन्स। चूंकि इस मैकेनिज्म में हमारे पास कार्बोकैटायन बनता है तो जिस मैकेनिज्म में कार्बोकैटायन बनता है वहाँ पर मैकेनिज्म के दौरान जो है वो कुछ रीअरेंजमेंट्स वगैरह हो सकती हैं जिसकी वजह से आपके एंड प्रोडक्ट पे असर पड़ेगा। तो यही केस जो है अल्कीन्स में देखने में आया है। अगर हम इसमें अल्कीन्स जो हैं अगर हमारे पास सिमेट्रिक हो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन अगर हमारे पास अनसिमेट्रिक अल्कीन्स हो तो फिर वो एक रूल को फॉलो करते हैं दैट इज कॉल्ड एज मार्कोनिकोव्स रूल। मार्कोनिकोव रूल्स के हवाले से आपने ये बात याद रखनी है कि मार्कोनिकोव रूल जो होगा दैट विल बी ऑलवेज फॉलोड जब आपके पास अल्कीन्स जो होंगे वो अनसिमेट्रिक होंगे। अनसिमेट्रिक अल्कीन्स, अब अनसिमेट्रिक अल्कीन्स क्या होते हैं? लेट्स सपोज आपके पास इस तरह का एक मॉलिक्यूल है एल्कीन का। अब इस मॉलिक्यूल को आप देख सकते हैं कि जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, अगर यहाँ पर आप एक इमेजिनरी लाइन इस तरह से ड्रॉ कर लें तो इस लाइन के इस साइड पे जो मॉलिक्यूल है और इस साइड पे जो मॉलिक्यूल है वो आइडेंटिकल नहीं है। एक साइड पे आपके पास एक कार्बन है जबकि दूसरे साइड पे तीन कार्बन एटम्स हैं, तो इस तरह का जो एल्कीन होता है वो अनसिमेट्रिक कहलाता है। इसके बरक्स जो सिमेट्रिक होता है वो इस तरह से होता है जिसपे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के दोनों साइड पे सेम नंबर ऑफ एटम्स हो। जैसे कि आप इस रिएक्शन वाले एग्जांपल में देखें, यहाँ पर अगर आप एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ पर, तो डबल बॉन्ड के इस साइड पे अगर यहाँ पर भी लेट सपोज हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, यहाँ तो ये सिमेट्रिक अल्कीन्स होंगे। तो जब कभी भी हाइड्रोहैलोजिनेशन होगी सिमेट्रिक अल्कीन्स की केस में आपके पास नॉर्मल रिएक्शन होगा, लेकिन जब अनसिमेट्रिक अल्कीन्स होंगे तो उस केस में मार्कोनिकोव रूल फॉलो होगा। लेट अस सी व्हाट इज मार्कोनिकोव रूल। मार्कोनिकोव रूल स्टेट्स दैट इन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड टू द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ऑफ एन अल्कीन, the hydrogen atom attaches itself to the carbon atom of the double bond that already holds greater number of hydrogen. क्या कह रहे हैं? जब कभी भी hydrogen halide add होगा किसी भी unsymmetric carbon-carbon double bonded में, तो जो adding reagent है, जो hydrogen halide है, उसका hydrogen double bonded carbon में से उस carbon के पास जाएगा जिसके पास ज्यादा hydrogen होंगे। Now let us see it by example. In this example, we have one propene. अब यहाँ पर अगर हम HBr add कर दें या HBr के साथ इसका reaction करवाएं तो हमारे पास दो possibilities हैं। क्या होगा कि carbon carbon double bond में से जो pi bond है वो break हो जाएगा और एक carbon पे hydrogen add होगा और दूसरे पे bromine। तो इस केस में हमने क्या कहा है कि कार्बन नंबर वन पे हाइड्रोजन ऐड कर दिया है और नंबर टू पे ब्रोमीन, जबकि इस केस में कार्बन नंबर वन पर ब्रोमीन ऐड किया है और कार्बन नंबर टू पर हाइड्रोजन। लेकिन मार्कोनिकोव रूल के मुताबिक एक्चुअल प्रोडक्ट कौन सा बनेगा? जैसे कि रूल कहता है कि हाइड्रोजन जो है वो उस कार्बन के पास जाएगा डबल बॉन्ड के जिसके पास ऑलरेडी ज्यादा हाइड्रोजन है। तो इन दोनों कार्बन के दरमियान जो डबल बॉन्ड है इसमें से आप देखें किसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है, ये कार्बन नंबर वन है, ये कार्बन नंबर टू है। तो आप क्लियरली देख के बता सकते हैं कि कार्बन नंबर वन के पास दो हाइड्रोजन है जबकि कार्बन नंबर टू के पास एक हाइड्रोजन है। तो जो HBr का हाइड्रोजन है वो किस कार्बन के पास जाएगा? यस करेक्ट, वो मार्कोनिकोव रूल के मुताबिक कार्बन नंबर वन के पास जाएगा क्योंकि उसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है। तो हमारा जो एक्चुअल प्रोडक्ट बनेगा वो ये वाला बनेगा
और ये ट्यू वाला प्रोडक्ट जो है वो नहीं बनेगा अकॉर्डिंग टू मैकेनिकल्स रूल। अब हम ये देख लेते हैं कि ऐसा होता क्यों है या व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। जैसे कि अभी हमने डिस्कस कर लिया कि जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होती है एल्कीन्स में, उसमें पहले प्रोटोनेशन होती है, डबल बॉन्ड जो होता है वो अटैक करेगा एच एक्स के प्रोटॉन पे। इस तरह से ये जो प्रोटॉन यहाँ पर शो किया हुआ है ये एच एक्स में से आया है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जब इस पर अटैक करेगा और आपके पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन हो तो दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो इस प्रोटॉन को कार्बन नंबर 1 ले ले या कार्बन नंबर 2। हमने पहले पॉसिबिलिटी में क्या किया है कि इस प्रोटॉन को कार्बन नंबर 1 ले लेता है। देखिए इस पास यहाँ पर दो हाइड्रोजन है तो एक और यहाँ से लेके इसमें तीन हाइड्रोजन हो गए, और जो कार्बन नंबर 2 है उसको कुछ नहीं मिला तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया है, डिफिशियंसी क्रिएट हो गई है। जबकि सेकेंड केस में क्या हुआ है कि जो प्रोटॉन है उसके साथ कार्बन नंबर 2 ने बॉन्ड बना लिया है, कार्बन नंबर 2 के पास यहाँ पर एक हाइड्रोजन था, अब यहाँ पर ये दो हो गए हैं एक ये वाला इसके साथ मिला के, और जो कार्बन नंबर 1 था उसको कुछ नहीं मिला तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया है। तो इस केस में हमारे पास ये दो किस्म के कार्बो कैटायंस बन गए हैं। अब आपको ये चीज मालूम होगी कि कार्बो कैटायंस जो हैं उनकी स्टेबिलिटी डिफरेंट होती है। कार्बो कैटायन स्टेबिलिटी में जो टर्शरी कार्बो कैटायंस होते हैं दे आर द मोस्ट स्टेबल एंड फिर सेकेंड नंबर पे सेकेंडरी कार्बो कैटायन की स्टेबिलिटी आती है और थर्ड नंबर पे प्राइमरी कार्बो कैटायन एंड देन इज द मेथाइल कार्बो कैटायन। ये है द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बो कैटायंस। फिर हम इसको कैसे डिफाइन करते हैं कि कौन सा प्राइमरी है कौन सा सेकेंडरी है। इस एग्जाम्पल को देख लेते हैं। देखें जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है वो मजीद दो कार्बन के साथ लगा हुआ है, मीन्स दिस इज द सेकेंडरी कार्बो कैटाइन। और इस एग्जाम्पल में देखें जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो मजीद एक कार्बन के साथ अटैच है, डायरेक्टली अटैच होने की बात कर रहे हैं, ठीक है। कार्बन डायरेक्टली एक कार्बन के साथ अटैच है जबकि ये वाला कार्बन डायरेक्टली दो कार्बन के साथ अटैच है। तो ये वाला कार्बो कैटाइन जो है दिस इज प्राइमरी वन एंड दिस वन इज सेकेंडरी। सो स्टेबिलिटी के मुताबिक जो सेकेंडरी कार्बो कैटाइन है वो ज्यादा स्टेबल होगा बनस्पत प्राइमरी कार्बो कैटाइन के। सो सेकेंडरी कार्बो कैटाइन के बनने के चांसेस ज्यादा होंगे और आपका ये वाला स्टेबल कार्बो कैटाइन बनेगा जबकि ये नहीं बनेगा। अब चूंकि स्टेबल कार्बो कैटाइन बनेगा तो नेक्स्ट टाइप पे जब इसके साथ हेलोजन ऐड होगा तो इस केस में जो प्रोडक्ट होगा दिस विल बी टू ब्रोमो प्रोपेन, और इस केस में जो प्रोडक्ट होगा दैट विल बी वन ब्रोमो प्रोपेन। लेकिन चूंकि हम क्या कह रहे हैं कि जो मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन होगा वो ज्यादा बनेगा बनिस्पित लेस स्टेबल के, तो मेजर जो प्रोडक्ट होगा या जो मेन प्रोडक्ट होगा वो अकॉर्डिंग टू मैकेनिकल रूल्स टू ब्रोमो प्रोपेन होगा। इस तरह का रिएक्शन जिसमें आपके पास जो है वो एक से ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स बनने के चांसेस होते हैं लेकिन प्रीडोमिनेंटली सिर्फ एक ही बनता है, इस तरह का रिएक्शन रिजियो सेलेक्टिव रिएक्शन कहलाता है। क्योंकि यहाँ पर वो क्या रहे कि पॉसिबिलिटी जो है वो दो पोजीशंस पर है, ठीक है, और प्रोडक्ट भी दोनों ही बनेंगे लेकिन प्रीडोमिनेंटली या मेजर अमाउंट में सिर्फ एक बनेगा, तो द रिएक्शन इज नोन एज रिजियो सेलेक्टिव रिएक्शन। तो इससे हमें मार्कोनिक रूल की एक और डेफिनेशन मिल गई कि इन द एडिशन ऑफ एन अनसिमेट्रिकल रिएजेंट टू एन अनसिमेट्रिकल डबल बॉन्ड। क्या कह रहे हैं कि जब किसी भी अनसिमेट्रिक डबल बॉन्ड में एक अनसिमेट्रिक रिएजेंट ऐड हो, क्यों इस तरह से कह रहे हैं कि अनसिमेट्रिक डबल बॉन्ड में अनसिमेट्रिक रिएजेंट, अनसिमेट्रिक डबल बॉन्ड की तो हमने बात कर ली कि कोई भी ऐसा डबल बॉन्ड जहां पर आपके पास डबल बॉन्ड के आइदर साइड पे जो ग्रुप्स हैं वो सेम ना हो तो ये आपका अनसिमेट्रिक अल्किन हो जाएगा।
और रिएजेंट क्यों अनसिमेट्रिक है, दिस इज एच एक्स। तो देखिए एक साइड पे हैलोजन है और एक साइड पे हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन जो है वो एक छोटा मॉलिक्यूल होता है और हैलोजन जो है वो एक बड़ा मॉलिक्यूल होता है। तो अगर यहाँ पर आप बीच में एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं तो मॉलिक्यूल के दोनों साइड जो है वो बराबर नहीं है। तो कभी भी जब एक अनसिमेट्रिक रिएजेंट जो होगा वो एक अनसिमेट्रिक डबल बॉन्ड में ऐड होगा, तो जो एडिंग रिएजेंट है उसका जो पॉजिटिव पोर्शन है, एडिंग रिएजेंट ये वाला है एच एक्स, इसका जो पॉजिटिव पोर्शन है कौन सा है, ऑब्वियसली हाइड्रोजन है, क्योंकि जो एक्स होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, तो उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा और हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव होगा। तो इसका जो पॉजिटिव पार्ट है इट विल अटैच इटसेल्फ टू द कार्बन एटम ऑफ द डबल बॉन्ड दैट लीड्स टू द मोर स्टेबल कार्बोकैटायन एज एन इंटरमीडिएट। ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के उस कार्बन के साथ जाके अटैच होगा या उस कार्बन के साथ जाके बॉन्ड बनाएगा जिसके नतीजे में जो बनने वाला कार्बोकैटायन है वो ज्यादा स्टेबल हो। मींस अगर हाइड्रोजन जो है वो एक कार्बन के साथ अटैच हो वहां पर ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बने तो वो उसी कार्बन के साथ जाके अटैच होगा बनस्पत दूसरे वाले कार्बन के साथ। थोड़ी सी यहाँ पर एक बात जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो ये है कि हाइड्रोजन हैलाइड जितने भी हैं हाइड्रोजन ब्रोमाइड के अलावा वो हर कंडीशन में मैकेनिकल रूल को फॉलो करते ही हैं, लेकिन हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ थोड़ी सी एक्सेप्शन है। उसमें ये है कि इफ परऑक्साइड इज प्रेजेंट तो उस कंडीशन में ये मैकेनिकल रूल को फॉलो नहीं करेगा, लेकिन अगर परऑक्साइड जो है वो एब्सेंट होगा उस केस में ये मैकेनिकल रूल को फॉलो करेगा। नाउ लेट अस सी एन एग्जांपल। अब इसमें एग्जांपल में देखें हमारे पास एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन है जो कि वन प्रोपीन है और इसमें HBr ऐड हुआ है। दो कंडीशन है, एक कंडीशन में परऑक्साइड डाल दिया है और दूसरे कंडीशन में परऑक्साइड नहीं डाला है। जहां पर परऑक्साइड नहीं डाला है वहां पर आप प्रोडक्ट को देखें तो ये मैकेनिकल रूल के मुताबिक बना है। क्या हुआ है कि HBr का जो हाइड्रोजन है वो उस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के उस कार्बन के पास गया है जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है। इस कार्बन के पास दो हाइड्रोजन है और एक ये वाला आ गया तो ये तीन हो गए, और जो ये वाला कार्बन है इसके पास ब्रोमीन आ गया है, तो टू ब्रोमो प्रोपेन बना है विच इज एग्जैक्टली अकॉर्डिंग टू मैकेनिकल रूल। तो यहाँ पे जो है वो मैकेनिकल रूल फॉलो हुआ है, लेकिन जहाँ पर परऑक्साइड डाला है वहां पर देखिए प्रोडक्ट क्या बनी है। जो मॉलिक्यूल का जो हाइड्रोजन है वो उस कार्बन के पास गया है जिसके पास कम हाइड्रोजन है। देखिए ये वाला जो CH2 है ये यहाँ पर भी CH2 है और ये वाला जो था CH था अब ये CH2 हो गया है, मींस इसने यहाँ से जो है वो ये वाला हाइड्रोजन ले लिया है और जो CH2 है इसमें ब्रोमीन ऐड हो गया है। यहाँ पर इसको हम कहते हैं एंटी मैकेनिकल प्रोडक्ट, एंटी मैकेनिकल, क्योंकि ये मैकेनिकल जो रूल है उसके अगेंस्ट बना है। यहाँ पर एंटी मैकेनिकल रूल फॉलो होगा। तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड जब भी ऐड होगा किसी भी अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स में तो आपने ये ध्यान रखना है कि अगर परऑक्साइड उसमें नहीं डाला गया तो मैकेनिकल प्रोडक्ट बनेगा, और अगर उसमें परऑक्साइड डाला है तो फिर एंटी मैकेनिकल प्रोडक्ट बनेगा। और ये जो इफेक्ट है हाइड्रोजन ब्रोमाइड की रिएक्टिविटी पे जो फर्क पड़ता है ड्यू टू द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ परऑक्साइड, दिस इज कॉल्ड एज परऑक्साइड Effect. हम देख लेते हैं कि क्यों ये फर्क आ रहा है, क्यों परऑक्साइड की मौजूदगी में जो है वो अलग प्रोडक्ट बनता है, परऑक्साइड के गैर मौजूदगी में अलग प्रोडक्ट बनता है। परऑक्साइड इज एनीथिंग लाइक दिस ROOR, इस तरह का R यहाँ पर कोई भी जनरल ग्रुप है, इस तरह का कंपाउंड जो है वो परऑक्साइड कहलाता है। इसमें एक एग्जांपल हमारे पास हाइड्रोजन परऑक्साइड भी है, तो हम H2O2 से लिखते हैं। तो इसी तरह और भी ऑर्गेनिक परऑक्साइड जो है वो मौजूद है।
जब ऑर्गेनिक परऑक्साइड्स मौजूद होंगे तो उस केस में जो मैकेनिज्म होगा दैट विल बी द फ्री रेडिकल चेन मैकेनिज्म। अब फ्री रेडिकल चेन मैकेनिज्म में क्या होगा कि ये जो परऑक्साइड है इस पे अगर कोई भी रेडिएशंस पड़ती हैं तो इसकी वजह से इसके जो बॉन्ड है इसकी होमोलिटिक क्लीविज हो जाती है। होमोलिटिक क्लीविज में क्या होता है कि बॉन्ड इक्वली ब्रेक होता है, जो दो पार्टनर्स होते हैं वो अपना अपना इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं और इसको हम इस तरह से हाफ एरो से शो करते हैं। तो एक और जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा, दूसरा जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा और हमारे पास दो रेडिकल्स बनेंगे आर ओ, और यहाँ पर हम इस तरह डॉट लगा लेते हैं जो सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को शो करता है। तो दिस इज आर ओ रेडिकल। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, ये जो आर ओ रेडिकल जो इस तरह से जनरेट हुआ है वो क्या करेगा, वो एच बी आर के साथ रिएक्ट करेगा और फ्री होमोलिटिक क्लीवेज जो है वो इंड्यूस करेगा। तो क्या होगा कि ये एच बी आर भी होमोलिटिकली ब्रेक हो जाएगा, इनके दरमियान जो बॉन्ड है अगर मैं इसको तरह से शो करूँ, ब्रोमीन जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा और हाइड्रोजन जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन लेके तो जो ओ का एक इलेक्ट्रॉन है उसके साथ बॉन्ड बना लेगा, तो जिसके रिजल्ट में हमारे पास आर ओ एच दिस इज अल्कोहल और साथ में जो है वो ब्रोमीन रेडिकल बन जाएगा, इसको हम यूज करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये जो ब्रोमीन रेडिकल है ये क्लीविज इनिशिएट करेगा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में। तो क्या होगा कि जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है इसकी होमोलिटिक ब्रेकेज हो जाएगी और ये इस तरह से ब्रेक करेगा कि ये बॉन्ड एक इलेक्ट्रॉन जो इस कार्बन का था वो अपना इलेक्ट्रॉन लेके इस ब्रोमीन के साथ बॉन्ड बना लेगा, इसके साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करने से बॉन्ड बन जाएगा और ये जो कार्बन है ये बॉन्ड ये अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले लेगा। बॉन्ड आपको पता है जब भी बनता है दो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से होता है, तो होमोलिटिक क्लीविज हो गई, एक कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया दूसरे ने अपना, तो एज अ रिजल्ट ये स्पीशीज बनेगी हमारे पास। अब यहाँ पर ये जो रेडिकल बन गया है, नेक्स्ट स्टेप में ये क्या करेगा कि एक अब यहाँ पर चूंकि फ्री रेडिकल्स बन गए हैं, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में जैसे कि एक मालूम है आपको कि एक दफा फ्री रेडिकल बन जाए तो फिर वो नेक्स्ट नेक्स्ट मॉलिक्यूल में वो इनिशिएट करते रहते हैं और प्रोपेगेशन होती है यहाँ तक कि जब तक सारे फ्री रेडिकल्स खत्म ना हो जाए और रिएक्शन टर्मिनेट ना हो जाए। तो ये जो फ्री रेडिकल है ये क्या करेगा, ये इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेगा और यहाँ पर भी इसकी होमोलिटिक क्लीविज होगी, ये ब्रोमीन अपना इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा और ये वाला हाइड्रोजन जो है वो इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, तो इस तरह का प्रोडक्ट बन जाएगा जो कि वन प्रोपेन है। तो इस मैकेनिज्म को देख के आपको अंदाजा हो गया होगा कि क्यों जो है वो परऑक्साइड की प्रेजेंस में एंटी मैकेनिकल रेडिएशन होती है। एक्चुअली जब हमारे पास फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है परऑक्साइड की मौजूदगी में तो हमारे पास जो ब्रोमीन रेडिकल है वो पहले एल्कीन के साथ बॉन्ड बनाता है, जबकि जो दूसरा मैकेनिज्म था उसमें क्या हुआ था कि पहले जो है वो हाइड्रोजन ने बॉन्ड बनाया था बाद में ब्रोमीन आके लगा था। तो जब हमारे पास ब्रोमीन पहले आके बॉन्ड बनाता है तो वो कोशिश करता है कि वो उस जगह पर बॉन्ड बनाए जहाँ पर हिंड्रेंस कम हो, जहाँ पर उसको क्राउडेडनेस कम हो। अब जैसे अगर ये वाला ब्रोमीन आपका इस कार्बन के पास आने की कोशिश करेगा तो यहाँ पर भी आपके पास एक मिथाइल ग्रुप है, इस तरफ CH2 है और ब्रोमीन का अपना साइज भी काफी बड़ा होता है, तो यहाँ पर जब ये जाएगा तो उसको स्टीरिक हिंड्रेंस फेस होगी, वो कार्बन के करीब पहुंचना उसके लिए मुश्किल होगा, जाहिर है और कभी पहुंचेगा तो बॉन्ड बनाएगा। जबकि ये वाला जो कार्बन है जो कार्बन नंबर वन वो रिलेटिवली मोर इजीली एक्सेसिबल है, वो इसके आसपास दो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का साइज छोटा होता है तो ये ब्रोमीन आराम से उस कार्बन को अप्रोच कर सकता है, तो इसीलिए जो परऑक्साइड की मौजूदगी में एंटी मैकेनिकल रूल फॉलो होगा। जबकि जब परऑक्साइड नहीं होता तो तब जो है आपके पास प्रोटोनेशन वाला मैकेनिज्म होता है, फ्री इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होती है जिसकी वजह से पहले हाइड्रोजन ऐड होता है और बाद में ब्रोमीन। तो हाइड्रोजन क्या करता है कि स्टेबल कार्बोकेटाइन बना लेता है और स्टेबल कार्बोकेटाइन बनने के बाद ब्रोमीन उस पर अटैक करता है।
दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द टू मैकेनिज्म्स. और ओवरऑल अगर बात की जाए इसके एडिशन की तो बोथ ऑफ देम आर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन. उसमें भी पहले कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में इलेक्ट्रोफाइल ऐड हुआ था और इसमें जो है वो रेडिकल ऐड हो गया था. रेडिकल इज आल्सो एन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज, इट विल बी आल्सो काउंटेड एज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन.